सो हे वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोशॉप आप कैसे चलाना सीख सकते हैं। बेसिकली फोटोशॉप में होता क्या है, अगर आप देखें फोटोशॉप के पूरे लेआउट में तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं। ये हमारा है टूल सेक्शन। बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और भी होगा शायद, बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, जो ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये सारी टूल्स है हमारे, जैसे ये ट्रांसफर टूल और ये शेप टूल, लासो टूल, सिलेक्शन टूल और ये क्रॉप, मतलब इसमें बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे जिस जिसकी नीड आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। अगर इधर ऊपर वाले सेक्शन पे आए तो इधर है फिल्टर्स और कुछ और चीजें, जैसे जिनका मैं बेसिकली ज्यादातर शॉर्टकट ही यूज करता हूँ, बट हाँ ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आउट ऑफ स्क्रैच इनमें से ही बनती हैं। जैसे इसमें काफी सही चीजें हैं जो मैं यूज करता हूँ, जो ब्लर है और यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर है जिसको मोबाइल में लाइट रूम कहते हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए मेन पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये है हमारी लेयर्स पैनल। यहाँ पे लेयर्स आती जाएंगी और होना क्या है, बस लेयर्स के ऊपर वन बाय वन स्टैक करते जाना है, एक के ऊपर एक रखते जाना है और फोटो बनाते जाना है। और यहाँ पे है हमारा कलर पिकर। गाइज अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको सब कुछ दिख जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ये जस्ट ऐसा है कि मैंने अपने खुद के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। तो अभी बात करते हैं स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको फोटोशॉप चाहिए और जो कह रहे हैं भाई ये पेड है हम कैसे लेंगे, और तो उनको मैं बता दूं कि मैं टेलीग्राम पे, मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उनको डाउनलोड लिंक भेज दूंगा। डाउनलोड लिंक भी ऐसा होगा कि आपको वो फोन से नहीं डाउनलोड होएगा। प्लीज मेरे को ये मत कहना कि भाई फोन से डाउनलोड करना है, फोन से डाउनलोड कैसे करें, इस पे नहीं हो रहा है। प्लीज आप कंप्यूटर पे ही करना, और कंप्यूटर पे करने का ये एक फायदा है कि आपकी जो फाइल है सीधा उसमें डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका एक बेसिक सा कंप्यूटर हो, जो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा हैंग भी हो चलेगा, वो फोटोशॉप को एटलीस्ट रन कर दे। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली जस्ट यहाँ पे टेलीग्राम टाइप करना होगा, टेलीग्राम वेब, और सिंपली वहां पे जाना होगा और आपको अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी होगी। आप फोन पे आईडी क्रिएट कर लेना टेलीग्राम की, और उसके बाद जो है आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके तो उसमें देख लेना, मेरे को पर्सनली डीएम कर देना। अगर किसी को मेरा टेलीग्राम लिंक चाहिए होगा तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि स्टार्ट भी कैसे करना है। अगर ओपन भी करना है तो आपके सामने क्या आएगा, वहां से स्टार्ट करूंगा। तो गाइज आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा थोड़ा सा। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम न्यू पे जाएंगे। बेसिकली आपके आगे एक ऐसे ही फॉर्मेट खुलेगा, बट ये जो है आपके सामने ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, बस आपके ऊपर ये एक छोटी सी बार होएगी जहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक करना है। बेसिकली आपके आगे वो आ ही जाएगा कि आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है या ओपन करना है। आपको न्यू पे क्लिक करना है, आपके आगे कुछ ऐसा आएगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी कस्टम प्रीसेट्स जो है अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, और जो मेरी इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डालता हूँ उसका रेजोल्यूशन ये है, जो कि 3200x4000 है विड्थ बाय हाइट, जो कि अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत ज़्यादा है, 4K के आसपास होती हैं जो मेरी वीडियो का रेजोल्यूशन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक साइट है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक रेजोल्यूशन कैलकुलेटर है। बेसिकली आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐप कंप्रेशन साइज है वो होता है 1080x1080, बट जो मैं यूज करता हूँ वो काफी ज्यादा होता है 3200x4000। तो ये यहाँ पे है। अगर आप इसका HD वर्जन यूज़ करना चाहते हैं या फिर जो कह लो 1080 या 1920 के आसपास होता है, जिनको जिनको बेसिकली पिक्सल्स के बारे में नॉलेज है वो समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता होगा प्लीज़ आप थोड़ा सा कोप करिए, आपको बोर जरूर लग रहा होगा लेकिन ये है ज़रूरी आपके लिए। तो आप ये साइज यूज़ कर सकते हैं 1024x1280। तो मैं भी यही यूज़ करूँगा। ये था 1024x1280। और इसको मैं बना लूँगा, नाम देना ज़रूरी है क्योंकि बाद में सेव करते वक्त आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, फोटोशॉप ट्यूटोरियल। तो गाइज बाकी मैंने आप सेटिंग्स देख सकते हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं इसमें छेड़ा है, सब कुछ जो है रैंडम है। जैसे
पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, ये सब मैक्सिमम भी होता है ऑलरेडी ऑलरेडी आपको आपको इतनी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है, आपके आगे एक कैनवस आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रेजोल्यूशन जो इतने बड़े से इतना छोटा रखने का मेरा मोटिव क्या था। बेसिकली सबकी जो कंप्यूटर हैं, सबके जो लैपटॉप हैं, जो जो मशीनरी है, वो एक टाइम आने के बाद आप इतना कुछ ऐड कर दोगे फोटोशॉप पे कि वो सपोर्ट करना छोड़ देगा, वो स्लो हो जाएगा, वो हैंग होने लग जाएगा। तो ये छोटा रेजोल्यूशन रखने से आपका वो हैंग की दिक्कत कम आएगी, 10% आएगी अगर आपको 4000 वाले रेजोल्यूशन पे 100% आती है तो उस हिसाब से रेशो है। तो अभी स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने के लिए आपको मैंने रेजोल्यूशन सेटिंग्स बता दी हैं, ये तीन सेक्शन जो हैं ये बता दिए हैं, ये वाले भी फिल्टर और ये लेयरिंग वाले। अब आगे जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली लेयरिंग और स्टैकिंग, जो भी आपको इफेक्ट चाहिए, जो भी जैसे, वो डिपेंड करते हैं आपको, पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं आपको फोटो को एडिट कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई अपनी रैंडम पिक्चर उठा लेता हूँ, जैसे गाइज ये फोटो, ये फोटो मेरी काफ़ी पुरानी फोटो है जो मैंने एक वैसे ही बेसिक सी मेरे दिमाग में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कंसेप्ट आया था जो कि बहुत कॉमन है वो मैं बनाना चाहता था। तो आपको सिंपली जस्ट फोटो को ड्रैग ड्रॉप कर देना है, वो फोटो आपकी फोटोशॉप के जो कैनवस पे है उस पे आ जाएगी। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो कीज है वो आपके सामने आती जाएंगी, जो भी मैं दबाऊंगा आपको ऑल्ट प्रेस करके माउस बटन को जो है, जो रूलर है उसको आगे की तरफ जो है रूल करना है, तो ये जूम इन जूम आउट होता जाएगा आगे पीछे करने से। अभी शॉर्टकट्स को मैं बता देता हूँ थोड़ा, जो जो बिगिनिंग में तो आपको दिक्कत थोड़ी सी देंगे आपको समझने में, बट एटलीस्ट आपकी हेल्प हो जाएगी। जो मैं कटिंग करता हूँ, कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये लासो टूल हो गया, इसको आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते बॉर्डर बना के कट करते जाइए, बट ये इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट होते हैं, ये इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। ये क्विक सिलेक्शन टूल हो गया, कई लोग क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए सिंपली ये जो है सिलेक्ट करते रहते हैं, तो ये काम तो कर जाता है बट हर टाइम नहीं करता। बट जो जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो है पेन टूल। अब पेन टूल में क्या होता है, पेन टूल में आप जितना चाहे उतना प्रिसाइज जा सकते हैं। पेन टूल को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे पी क्लिक करूँगा और मेरा पेन टूल आ जाएगा, और यहाँ से भी आप पेन टूल टूल बार में से देख सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या होगा, सिंपली ऑल्ट दबाकर और जो है माउस बटन को आगे करते जाना है और सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एक पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट। अगर आपको लगता है कि आप पेन टूल इतना अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी वो नहीं बना सकता कर्व्स, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट अभी बेसिक से स्टार्ट कीजिए। बेसिक से क्या होगा कि आप सिर्फ पॉइंट्स लगाते जाइए और मैं बाद में आपको इन डिटेल धीरे धीरे समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको उतने उतने पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो गाइज जैसे ही आपकी सिलेक्शन पूरी हो जाएगी आपको जस्ट जो पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है और ये आपकी एक एक पाथ रेडी कर देगा जिस पे आपको वर्क करना है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको इसको सिलेक्शन कर इसकी सिलेक्शन बनानी है, आपको जस्ट सिंपली क्या करना होगा, राइट क्लिक करके और मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन पर आप फैदर मैं 0 ही वैसे प्रेफर करता हूँ, बट आप फिर भी 0.5 या 1 फैदर रख लीजिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 0 रखते हैं, अगर आप 0 रखते हैं तो ये जो है ये जो मास्किंग देख रहे हैं आप, या फिर ये जो कह लो आप लाइन देख रहे हैं, ये पाथ जो बना है ये एकदम एक्यूरेट होगा। अगर इसको मैं कट कर दूँ, यहाँ पे देखिए ये है जो मास्क बटन, इसको ऐड करने से इसके ऊपर मास्क बन जाएगा। अब वो मास्क क्या है, वो मास्क कुछ नहीं है, सिर्फ एक सुनने में बहुत बड़ा नाम है, सिंपली वो चीज़ों को कट कर देगा और उसके बाद भी आपको अलाउ करेगा कि आप अगर फिर से एडिट करना चाहते हो। फ़ोन में तो ये होता है आपने एक बार ही एडिट कर दिया तो आप पीछे स्टेप में जा नहीं सकते, आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पूरा शुरू से करना पड़ेगा, बट फोटोशॉप में आपको उसकी लिबर्टी है पूरी। अब अगर मैं जाकर मास्क टूल पर क्लिक करूँगा तो देखना बूम, मेरा जो है वो मास्क आउट हो चुका है। अब जो मैं आपको कह रहा था ये देखो, ये जो
एजेस हैं ये काफी रफ हार्श और जो है काफी शार्प है, जो दूर से देखने से तो नहीं पता लगता बट लग रहा है, पता लग रहा है कि काफी हार्श है क्योंकि जस्ट बिकॉज हमने काफी स्मूथ जो है वो पेन टूल नहीं यूज किया था। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट यूज करने के लिए जो मैंने कहा था मेरे को पीछे जाना होगा और फिर से यही। अब मेक सिलेक्शन पे जाके अगर मैं इसका फैदर टू कर देता हूँ लेट्स सपोज, तो अब देखना देखो कितना फर्क हो गया है, काफी एजेस स्मूथ लग रहे हैं बट जो मेरी मेरे ख्याल से है दो भी बहुत ज्यादा है, तो दो आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप 0.5 से भी काम चला सकते हैं। 0.5 से फिर से मास्क बटन पे क्लिक करना है और देखो गाइस आपका मास्क जो है वो पहले से काफी स्मूथ लग रहा है, इतना तो नहीं लग रहा। इसके बाद भी आपको चॉइस होगी कि हर बार पीछे नहीं जाना, और अगर आपको फिर से मास्क को अपने स्मूथ करना है तो आप इस पे मास्क बटन पे जो यहाँ पे है, वेट मैं फिर से दिखाता हूँ, जो ये है आपका मास्क बटन, यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर है ये बेसिकली एक फिल्टर है, जो वाइट है वो हमेशा शो करता है और जो ब्लैक है वो हमेशा हाइड करके रखता है। तो आपको करना क्या होगा, इस पे डबल क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करने से आपके आगे ये कुछ ऐसी सेटिंग्स आ जाएगी। अभी अगर आपको स्मूथ करना है तो यहाँ पे जो है एज स्मूथ करने के लिए आपको स्मूथ थोड़ा सा बढ़ा देना है जैसे 20-25, और अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी फर्क हो गया। अगर आप मैं फिर से पीछे कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एजेस जो हैं शार्प हैं। अगर मैं वही यहीं पे 20 कर दूँ तो अब देखो एजेस कितने सही हो गए हैं। और अभी गाइज यहाँ पे एक ट्रिक और, अगर आपको लगता है कि जो आपके हेयर्स हैं, वेट पहले मैं ना नीचे एक ब्लैक कलर लेयर लगा दूँ, इस पे अभी जो ये वाला सेक्शन है मैं इस पे अभी नहीं आ रहा हूँ क्योंकि यही जो है मेन चीज़ें हैं, इस पे नेक्स्ट जो है वो ट्यूटोरियल होगा डिटेल में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए गाइज। मैं एक ब्लैक लेयर को है जो अपनी मॉडल लेयर के नीचे रख रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो हेयर है उनको मैंने एकदम परफेक्टली जो है वो मास्क नहीं किया था, उसका रीज़न क्या था क्योंकि जो हेयर है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो सेंटर में से ट्रांसपेरेंट हैं, तो जो बिल्कुल सही नहीं लग रही हैं। अभी उनको हटाने का तरीका क्या है, सिंपली ये एक रिफाइन टूल होता है, ऑल्ट को क्लिक करके और लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके आपको लेफ्ट की तरफ माउस लेके जाना है, आपका ब्रश साइज है वो चेंज होता रहेगा। आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं बट अब शॉर्टकट की आदत पड़ी हुई है, तो अब करना क्या होगा आपको सिंपली यहाँ पे पेंट कर देना है। पेंट करने से क्या होगा, आप जितना पॉसिबल हो सके उतना वाइट कलर के अगर आप आगे रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी सही आएगा। तो अब आप देख सकते हैं जो वाइट कलर है वो बीच में से निकल चुका है और जो हेयर है वो अच्छे से मास्क हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अगर मैं हेयर के ऊपर फोकस करूँ और अगर मैं इधर से कलर चेंज करूँ तो आप पीछे देख सकते हैं इधर से जो कलर है वो काफ़ी सही तरीके से चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना। कलर चेंज हो रहा है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी मेंटेन्ड है। तो जस्ट सिंपली अब क्या करना होगा, ये हो गया आपका स्टिकर रेडी। अब आपका मेन जो है वो बैकग्राउंड शेडोज हाइलाइट्स और लाइट किस तरफ से कैसे ट्रांसफर करती है उसके ऊपर है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही गाइज, मैं होप करता हूँ कि आपको जितना भी अभी आपने देखा होगा आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दें, और या फिर जो आपको फाइल्स चाहिए होंगी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हैं और मेरे को टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी कि बैकग्राउंड के साथ अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड मैच कर दिया तो उसमें आप जो फोटो है उसको मर्ज कैसे करना है, उसके कलर जो है वो कैसे मैच कराने हैं, उसका कलर बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, और उसके बाद फर्दर फिर शेडोज हाइलाइट्स और उसके बाद जो कुछ बेसिक्स हैं और कलर साइंस वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही,
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I'm